आपके बॉयफ्रेंड ने आपको कहा कि वो आपसे 5 बजे मिलेंगे, लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं, ऑब्वियसली आप बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, राइट? और उनको कहना चाहते हैं कि कहां हो तुम, मैं पिछले 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। हिंदी में तो ये कहना बहुत ही ज्यादा आसान है, आई एम श्योर, लेकिन इंग्लिश में ये कहने के लिए वर्ड्स समझ में नहीं आ रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? अगर ऐसा है तो आपने सही वीडियो सिलेक्ट किया है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त सोनिया, और आज के इस लेसन में हम सीखेंगे इंग्लिश में आप कैसे हैव बीन वेटिंग, हैव बीन वर्किंग या हैव बीन लुकिंग इस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, और कैसे आप इन्हीं सेंटेंसेस को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, आप ये सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं अगर आपको कहना है कि कोई चीज काफी समय से चल रही है और अब भी जारी है, मतलब अब भी चल रही है। जैसे वो बॉयफ्रेंड वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं तुम्हारे लिए पिछले 2 घंटों से इंतजार कर रही हूं, ऐसा वो कहना चाह रही थी। तो इंग्लिश में कहेंगे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर द लास्ट 2 आवर्स, मतलब ये क्रिया 2 घंटों से चल रही है और अब भी जारी है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं 7 बजे से पढ़ाई कर रहा हूं, I have been studying since 7 AM. यहां हम कह रहे हैं कि 7 बजे से पढ़ाई शुरू हुई और अब भी चल रही है। ऑलराइट, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होंगी। अब सबसे पहली बात, इन सेंटेंसेस में आप वर्ब प्लस ing यूज करेंगे, क्योंकि यहां क्रिया चल रही है, मतलब जो क्रिया या वर्ब है वो कंटिन्यूअस है। दूसरी बात, आप आई, यू, वी और दे के साथ यूज करेंगे हैव बीन, और ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ यूज करेंगे हैज बीन। टेक्निकली इंग्लिश ग्रामर में इस तरह के प्रयोग को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, लेकिन हम इस लेसन और इस वीडियो के द्वारा आपके लिए ये टेंस सरल, एकदम सिंपल बनाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं यहां पिछले 1 साल से काम कर रही हूं, आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 1 ईयर। मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूं, आई हैव बीन वेस्टिंग माई टाइम, वेस्टिंग इज वेस्ट प्लस ing। हम सुबह से शॉपिंग कर रहे हैं, We have been shopping since morning. हम ये टीवी शो जुलाई से देखते आ रहे हैं, We have been watching this TV show since July. तुम मुझे पिछले हफ्ते से नजरअंदाज कर रहे हो, You have been ignoring me since last week. Ignore मतलब नजरअंदाज करना, So ignore plus ing becomes ignoring. तुम पिछले 2 सालों से यात्रा कर रहे हो, You have been traveling for the last 2 years. वो मुझे 2 महीनों से परेशान कर रहे हैं, They have been troubling me for 2 months now. Trouble का मतलब यहाँ पे है परेशान करना। वो तुम्हें सुबह से कॉल कर रहे हैं, They have been calling you since morning. वो जनवरी से अपनी एग्जाम्स की तैयारियां कर रही है, She has been preparing for her exams since January. वो मंडे से तुम्हारा पीछा कर रहा है, He has been following you since Monday. Following का मतलब यहां पे है किसी का पीछा करना। वो काफी समय से रो रही है, She has been crying for a long time. वो पिछली रात से प्रैक्टिस कर रहे हैं,
They have been practicing since last night. Hina पिछले 5 सालों से पार्टियां आयोजित कर रही है. Hina has been organizing parties for the last 5 years. Priya पिछले 4 हफ्तों से वर्कआउट कर रही है. Priya has been working out for the last 4 weeks. Working out का मतलब है जिम में एक्सरसाइज यानी कि कसरत करना. ये पिछले 7 घंटों से सो रहा है. It has been sleeping for the last 7 hours. यहां मैंने it example के तौर पे cat या फिर एक बिल्ली के लिए use किया है. ये कैसी अजीब आवाजें कर रहा है. It has been making funny sounds since yesterday. यहां it use किया गया है किसी मशीन के लिए. इन सारी sentences में अगर आपने notice किया है, हमने since या for the last इन words का उपयोग किया है. ये बात आप ध्यान से नोट करें. Since use करना जब आप exactly कब से कुछ हो रहा है ये बता रहे हैं. जैसे exact दिन, time, साल, date, etc. और for use करना है जब आप समय बता रहे हैं. कितना समय? जैसे 2 साल, 4 हफ्ते, 10 दिन वगैरह. दो examples देख लेते हैं ये समझने के लिए. मान लीजिए अब दोपहर के 1 बज चुके हैं. मैं 11 बजे से खाना बना रही हूँ. I have been cooking since 11 a.m. यहाँ मैंने बताया exactly कितने बजे से. तो मैंने use किया since. Alright? मैं पिछले 2 घंटों से खाना बना रही हूँ. I have been cooking for the last 2 hours. यहाँ मैंने बताया कितना समय लग रहा है. इसलिए यहाँ मैंने for इस word का उपयोग किया है. Alright? Okay, I hope ये बातें आपको याद रहेंगी. चलिए अब कुछ negative sentences बनाते हैं. पहले I, you, we और they के साथ. मैं ठीक ठाक खाना नहीं खा रही हूँ. I have not been eating food properly. Properly का मतलब है सही तरीके से. मैं मार्च से स्कूल नहीं जा रही हूँ. I have not been going to school since March. यहाँ आप have और been के बीच में लगा रहे हैं not, correct? तब ये sentences negative बनते हैं ना कि positive. आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर चाहे तो, I haven't been eating food properly. या फिर I haven't been going to school since March. Haven't is equal to have plus not. ये short forms है यानी कि contractions है. आपको जो simple लगे आप वही use करें. लेकिन एक बात है, जो fluently English में बात करते हैं वो ज्यादातर short forms या फिर contractions में ही use करते हैं. Okay? तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स. तुम अच्छे से नहीं खेल पा रहे हो. यू हैव नॉट बीन प्लेइंग वेल. तुम अपना काम नहीं करते आ रहे हो. यू हैव नॉट बीन डूइंग योर वर्क. वो किसी भी बारे में शिकायत नहीं करते आ रहे हैं. दे हैव नॉट बीन कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग. नेक्स्ट सेंटेंसेस देखते हैं. ही शी इट या किसी के नाम के साथ. वो उनसे बात नहीं कर रहे हैं. ही हैज नॉट बीन टॉकिंग टू देम. वो अपनी परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहा है. ही हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर हिज एग्जाम्स. सायरा मुझसे चैटिंग नहीं कर रही है. सायरा हैज नॉट बीन चैटिंग विद मी. ये पिछले 1 साल से काम नहीं कर रहा है. इट हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 1 ईयर. जब से मैंने ये लैपटॉप खरीदा है ये तब से ही काम नहीं कर रहा. माय लैपटॉप हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस आई बॉट इट. सो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से इंग्लिश में नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं जैसे आपने पॉजिटिव बनाए, अगर आपको हैव बीन और हैज बीन यूज करना है अपने सेंटेंसेस में.
उन चीजों के बारे में बात करने के लिए जो पास्ट में शुरू होके अभी तक जारी है। आई होप आपको ये सारे सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। इस लेसन में हमने काफी सारी बातें सीखी, करेक्ट? अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप डेफिनेटली वीडियो को पॉज कर सकते हैं और दोबारा से वीडियो को देखकर वो भी ध्यान से आप उस बात को समझ सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए और अपना कॉन्फिडेंस भी बरकरार रखिए। ऑलराइट? और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आप ऐसे ही बहुत सारे लेसन्स देख सके और बहुत सारी इंग्लिश आप सीख पाए। हमारी अगली मुलाकात तक, दिस इज मी सोनिया सेइंग टेक केयर एंड बाय बाय।